सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशियोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट के बारे में। मैंने कल एक वीडियो शूट किया था विच इज एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, राइट, एंड दिस एपिसोड इज रूरल मैनेजमेंट। जब हम एग्री बिजनेस की बात कर रहे थे तो वहां पे कई सारे कॉलेजेस थे विच आर मेंशन, जो कि रूरल के लिए काफी नोन है, एंड कहीं ना कहीं ये दोनों ही स्पेशलाइजेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, राइट। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रूरल, मतलब जो नॉन डेवलप्ड गांव हैं, एरियाज हैं, राइट, उन सेक्टर्स में मैनेजमेंट का काम करना, राइट, रूरल एरियाज, और उसमें कहीं ना कहीं गांव, एग्रीकल्चर, लैंड, ये भी आता है। सो कहीं ना कहीं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड रूरल मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट का एक पार्ट है एग्री ऑल्सो, राइट। सो आई एम गोना टेल यू दैट व्हाट रूरल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, सो लेट्स बिगिन। So welcome back to this episode. I don't know what they have mentioned, but I want to cut it short and will try to elaborate in simple or saadi or aasan si bhasha mein, matlab taki aap samajh sako, kyunki definition to bahut sari google pe di hai. Isme aap planning, pehli cheez, pehla point planning, organizing, right, directing and controlling रूलर एरियाज और अलाइंड डोमेन्स को कहीं ना कहीं आप कर रहे होते हो। आप क्या कर रहे होते हो, इट कैन बी सम प्रोजेक्ट जिसको आप प्लान कर रहे हो, राइट, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, या फिर कंट्रोल कर रहे हो, आइदर इन द रूलर एरियाज या फिर एग्री बिजनेस ऑल्सो। दैट इज वॉट रूलर मैनेजमेंट इज नोन ऑल अबाउट, राइट। सिंपल सी चीज है कि जो हमारे गाँव है या फिर रूलर एरियाज हैं इंडिया में, वहां पे आई मीन इट हैज वाइड स्कोप, राइट, बिकॉज वी आर समबडी हु एक्सपोर्ट ऑल्सो, राइट, इन टर्म्स ऑफ यू नो, अगर हम बात करें जो हम एग्रीकल्चर लैंड से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर समबडी जो वी आर नोन फॉर फार्मर्स एंड वी आर नोन फॉर एग्रीकल्चर। सो देयर्स अ ह्यूज ह्यूज डोमेन और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इन डोमेन्स के अराउंड काम कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, भले आई एम शूटिंग दिस एपिसोड, बट आप अपने डेली बेसिस में, राइट, फ्रॉम डेयरी टू योर लंच टू डिनर, आई मीन आई थिंक दैट इज द मेन नीड ऑफ each and every human's life, right? और ये सभी जो है that is around the agri and rural management thing. So थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, कैसे समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, किसको स्वाइप अप करते हैं, कि क्या पढ़ना पड़ता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जब मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं, हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, अच्छा कैसे आप किसी को मार्केटाइज कर सकते हो, कैसे गंजे को कंगा बेचा जा सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे भी मतलब सेल्स वाला काम है, बट इट इज रूलर मार्केटिंग। आप रूलर चीज़ों को कैसे मार्केटाइज कर सकते हो, आप देखते हो कि कई सारे एग्जीबिशंस लगते हैं जहाँ पे यू नो बहुत छोटी गांव से लोग आर्टिस्ट आते हैं और अपने काम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो देयर आर टैलेंट, उनको हाउ यू कैन, तो आई मीन दे कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो रूरल मार्केटिंग, रूरल इकोनॉमी और उसको कैसे डेवलप किया जाए, ये आपको पढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका मैनेजमेंट, रिसर्च मैथड्स इन यू नो रूरल मैनेजमेंट, रूरल फाइनेंस, फाइनेंस कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे फार्मिंग के लिए हर साल यू नो जब फसल खराब जाती है तो हम सुनते हैं कि यू नो गवर्नमेंट लोन माफ कर रही है, इन रियल किसके माफ होते हैं, किसको नहीं माफ होते, किसी को मुआवजा मिलता है, तो ऐसे यू नो कि उसका फाइनेंस कैसे होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कम जगह को यूज करके कैसे और ज्यादा प्रोडक्टिव किया जा सकता है, रूरल सोसाइटी इन हेल्थ, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आईटी इन रूरल डेवलपमेंट, और सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ साइकिल, दे विल प्रोड्यूस, वील ईट, एंड देन अगेन इट्स द सेम प्रोसेस विच गोज ऑन। सो दैट इज वॉट यू लर्न व्हेन इट कम्स टू रूरल मैनेजमेंट। अगर आप रूरल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन को टारगेट करना चाहते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल आते हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रही होती हूँ, जो कन्फ्यूज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस कॉलेज कॉल्ड इरमा आनंद, जो कि रूरल मैनेजमेंट के लिए है, उसका कट ऑफ कम है कंपैरेटिवली टू ऑल बहुत सारे कॉलेजेस से, जो कि टॉप कॉलेजेस थ्रू कैट रहते हैं। तो स्टूडेंट सोचता है कि यार मुझे वैसे तो कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, लेट्स गो फॉर रूरल मैनेजमेंट, तो ऐसा नहीं है।
आपको ये समझना जरूरी है दैट अगर आपको ये स्ट्रीम एक्साइट करती है, राइट, इफ यू फील दैट यू हैव दैट इंटरेस्ट, देन ओनली गो फॉर रूरल मैनेजमेंट. क्योंकि कॉलेजेस कम है, कंपटीशन कम है इंडस्ट्री में, दे नीड पीपल फ्रॉम दिस डोमेन. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि इसको करने के बाद आपको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में ऑप्शन है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी दे हायर फॉर सच काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, राइट. पर इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ कॉलेज का नाम सुन के कि अच्छा यार मुझे ये वाला स्पेशलाइजेशन तो कम परसेंटाइल पे मिलेगा तो लेट्स गो फॉर इट. ऐसा नहीं करना है. अगर आपका अंडरग्रेज में स्ट्रीम रिलेवेंट है, आप ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन यू फेल्ट लाइक कि यार नहीं मुझे ये करना है, देन ओनली गो फॉर दिस स्पेशलाइजेशन. अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन है कि आप स्विच भी कर सकते हो. सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हाट आई एम सेइंग. इंडिया हैज ओवर 6,40,000 विलेजेस एंड दिस कोर्स का स्कोप आप पूछ रहे हो. आई मीन ये तो मुहावरा माई टीम हैज मेंशन. मैंने बोला यार व्हाट इज रिटन देयर. तो 6,40,000 गाँव हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. और अभी भी आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं. आई मीन आई हैव बीन टू माय नानीज होम एंड आई हैव सीन दैट स्टिल हम जो सिटी में लाइफ रहते हैं जीते हैं और जो गांव में लाइफ है बहुत डिफरेंस है. तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट एंड लोग रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, एंड दैट इज द रीजन इट हैज वाइड स्कोप. एनजीओ सोशल एंटरप्राइजेस बहुत काम करती हैं इस डोमेन में. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बोला, ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आपके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऑप्शंस हैं. रूरल बैंकिंग एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो बैंक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं ये फार्मर्स को हेल्प कर रहे होते हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं फार्मिंग के लिए. एग्री बिजनेस फर्म्स, राइट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैव दिस CSR एक्टिविटीज. और वो CSR एक्टिविटीज के लिए भी दे हायर पीपल, राइट, टू ऑपरेट कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिसर्च एंड राइट एंड अकेडमिया, ऑल दीज वर्किंग फॉर रूरल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है विद टाइम आई मीन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं. तो जो अनटैप्ड मार्केट है वहाँ पे डेवलपमेंट का, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं ज़्यादा है. Growth and sustainable development, the demand of professionals in rural management is expected to grow, right? Government initiatives and policy aimed at rural development will further enhance, right? The integration of technology in rural development opens a new avenues for innovation and entrepreneurship. Top recruiters kaun se hain? Jaise ki I think example ke taur pe agar aap NGOs and international agencies ki baat kare to UNDP, WHO, CARE, ye sare hire karte hain. Government bodies ki baat kare to NABARD, then rural development banks, agri business company, ITC, Amul, Mahindra and Mahindra, financial institution, microfinance companies, rural banks, consulting firms, Deloitte, KPMG for rural development projects ke liye hire karte hain. Because I'll give you a small example. We have this incubation center in Bhopal where I'm based out of, and that smart city ki jo consulting firm hai, that was Deloitte, right? To ye consulting firms bhi hire karti hain. Because aap agar बहुत सारे सरकारी ऑफिसेस में देखोगे तो उनको कंसल्ट करने के लिए दे हैव EY, दे हैव PwC, दे हैव Deloitte, ऑल दीज कंपनीज. तो वहां पे भी दे रिक्रूट दीज कैंडिडेट्स. कॉलेजेस की बात करें, आई थिंक मैंने इरमा आनंद का नाम आपको बीच में एग्जांपल के तौर पे दिया था. देन XIM भुवनेश्वर है, NIRD है हैदराबाद, देन TIS है, राइट, देन IIM अहमदाबाद है, PGPX कराता है रूरल मैनेजमेंट में. अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे एवरेज सैलरी जो है वो अगर 15 दी हुई है, बट इरमा आनंद की 15,00,000 है. बट अगर आप किसी छोटे से कॉलेज से करोगे रूरल मैनेजमेंट, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज रेपुटेटेड कॉलेज से कर रहे हो, देन ओनली इट मेक्स सेंस. एक और कॉलेज जो इस लिस्ट में नहीं है, कॉलेज का नाम है ZIS रांची. ये कॉलेज स्टार्ट ही हुआ था रूरल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन, बहुत पुराना कॉलेज है. तो उनका भी रूरल मैनेजमेंट में, पर उनका अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे तो रूरल मैनेजमेंट का एवरेज पैकेज 5-6,00,000 के आसपास का है. तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करते हो, जैसे आप यहाँ पे इरमा का देख रहे हैं 15,00,000 का है, हाईएस्ट पैकेज 26,00,000 का है. उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में द एवरेज पैकेज, अगर आप लोअर लेवल के जाओगे 5-6.5, नॉट मोर देन दैट. Once you gain experience, then you can go for better opportunity. ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, ठीक है. तो विद दी स्पेशलाइजेशन, पर we need people. आपके पास इन फ्यूचर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है. अगर आपको एक्साइट करती है तो सिंपल सी चीज़ है कि आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट करो, कंपैरेटिवली कट ऑफ कम है, राइट, या फिर आप पहले कॉलेज ज्वाइन करो, कुछ साल एक्सपीरियंस गेन करो, एंड देन यू कैन
earn good in terms of money also. So again, मैं conclude करूँ तो ये एक ऐसी specialization है जिसका scope है but उतनी awareness नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा packages कम है क्योंकि चार, अगर आप एक average college की बात करोगे तो 4 से 8 लाख के बीच का package होता है. That is the reason कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स स्पेशलाइजेशन को उतना ऑप्ट नहीं करते. बट अगर किसी को इंटरेस्ट है, उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको वो कहीं ना कहीं ऑप्ट आउट कर सकता है. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.